भले ही इसराइल और हमास के बीच अभी युद्ध विराम चल रहा है क्योंकि बंधकों की रिहाई हो रही है, लेकिन जो इसराइल की खुफिया विभाग है मोसाद, उसने कसम खा ली है कि हमास के नेताओं को चुन चुन कर मारेगा। और ये आदेश पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दे दिया गया है मोसाद को। वैसे तो जो ऐसे आदेश दिए जाते हैं तो ऐसे आदेशों को गुप्त रखा जाता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें यह बताया गया कि ऐसा आदेश मोसाद को मिला है जिसमें जो हमास की टॉप लीडरशिप है वो दुनिया भर में कहीं पर भी छिपी हो तो उसका खात्मा किया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि जो समझौता भी हुआ है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर कतर में है हमास के बड़े नेता तो फिर क्या होगा। पूरी दुनिया को मालूम है कि जो हमास की टॉप लीडरशिप है, जिसमें अगर हम बात करें यहां सिनवार की, तो उस तक पहुंचने में अभी तक मोसाद को कामयाबी नहीं मिली है। या तो हमास के टॉप लीडर्स इस वक्त कतर में रह रहे हैं, लेकिन जो अग्रीमेंट हुआ है क्या इतना आसान हो पाएगा मोसाद के लिए, नेतन्याहू के लिए, कि कतर में जो हमास के नेता मौजूद हैं उनको मारा जा सके? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हमने देखा कि गाजा पट्टी, जहां पर एक एक करके नियंत्रण किया गया है इसराइली डिफेंस फोर्सेस द्वारा, वहां पर भी हमास के बड़े नेता मौजूद हैं। अगर उनको कतर तक पहुंचना है तो फिर वो कैसे पहुंचेंगे? ऐसे में उनको रास्ते तय करने पड़ेंगे, मिस्र के रास्ते से जाएंगे जहां पर पूरी तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एजेंट्स मौजूद है, हर जगह इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तैनाती है बॉर्डर्स पर, तो फिर कैसे हमास के आका बचेंगे, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। और हमने देखा कि जो इस्माइल हानिया है उसकी धरपकड़ की कोशिशें लगातार हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इस वक्त मोसाद की हिट लिस्ट में है। और जो ये समझौता हुआ है जिसमें कई तरह के हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो विशेषज्ञों की टीम है वो कह रही है कि इससे इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी गलती नेतन्याहू जो कर रहे हैं उसके परिणाम आगे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सोच विचार करके ऐसा फैसला लिया गया है। और जो बंधकों की रिहाई हो रही है, जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास द्वारा इसराइल पर, जिसमें हमास के नागरिकों को, जो विदेशी नागरिक थे, उनको हमास द्वारा बंधक बना लिया गया था। ऐसे में जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें जो नागरिक रिहा हो रहे हैं, जिसमें विदेशी नागरिक भी हैं, और जैसे ही ये बंधकों की रिहाई हो जाएगी फिर एक बार फिर से जो ग्राउंड ऑपरेशन है, चाहे हम ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें या फिर हम बात करें कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की, वो शुरू कर देगा मोसाद। मोसाद जो खुफिया विभाग है, ये हमने देखा है कि इसराइल भले ही दुनिया में छोटा देश है लेकिन इसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और जिस तरीके से हमास ने इसराइल पर हमला किया और हमास का दुश्मन बन चुका है इसराइल, जो पलटवार इसराइल द्वारा किया गया हमास पर, उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि इसराइल क्या कुछ कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ऐसे आदेश, किसी का खात्मा होना ऐसे वक्त में जब युद्ध विराम चल रहा है, तो फिर ऐसे आदेश सार्वजनिक क्यों किए गए नेतन्याहू की तरफ से? ऐसे आदेश तो आमतौर पर गुप्त रखे जाते हैं कि हमास की टॉप लीडरशिप को नहीं बख्शेगा, भले ही युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन अगर हमास के टॉप नेता कहीं पाए जाते हैं तो फिर उनका खात्मा हो जाएगा। तो क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है, या फिर हमास के नेताओं में डर पैदा करने की कोशिश है नेतन्याहू की तरफ से?